कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप मजे में होंगे। दिस इज भक्ति एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक्सपेंसिव दिखने वाले होम डेकोर आइटम्स एकदम सस्ते में। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, क्योंकि हर हफ्ते मैं लेके आती हूँ नए नए आर्ट। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक वेस लिया है जो मेरे पास घर पर ही अवेलेबल था। अब यहाँ पर मैंने हॉट ग्लू गन ली है और हॉट ग्लू गन से इस वेस पर मैं वर्टिकल लाइंस बनाऊंगी जैसे वीडियो में दिख रहा है। तो ये जो लाइंस है वो हमें एकदम थिक बनानी है, तो हमें एक सिंगल लाइन नहीं बनानी है, हम दो तीन लाइन एक साथ बनाएंगे ताकि एक थिक लाइन हमें मिल जाए। और ऐसे करके हमें थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे ये लाइंस बनानी है। तो सारी लाइंस बनने के बाद ये वेस कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो इस तरह से हमें थोड़े थोड़े डिस्टेंस पर ये वर्टिकल लाइंस बना लेनी है। ये जो लाइंस बनी है उसका स्मूथ इफेक्ट नहीं रहेगा, ये थोड़ा सा रफ लुक देगा, लेकिन हमें हमारे डिज़ाइन के लिए ऐसा ही लुक चाहिए तो हम इसे ऐसे ही रख देंगे। अब यहाँ पर मैंने व्हाइट चॉक पेंट का यूज़ किया है, जिसका नाम मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। उसका जो वीडियो फुटेज है वो मैं नहीं ले पाई, इसलिए वो इस वीडियो में इंक्लूडेड नहीं है। बट अगर आपको कोई क्वेश्चंस हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर पूछिए। यहाँ पर मैं गोल्ड स्प्रे पेंट का यूज़ कर रही हूँ, लेकिन आप किसी भी टाइप का गोल्ड कलर यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। मेरे पास बस ये स्प्रे पेंट अवेलेबल था इसलिए मैं ये कलर यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने साइड में थोड़ा सा कलर निकाल के लिया है और ब्रश के हेल्प से जहाँ पर हमने ये वर्टिकल लाइंस बनाई थी ग्लू से, उसके ऊपर अब मैं गोल्ड कलर से पेंट कर लूँगी। और वाइट कलर अच्छे से ड्राई होने के बाद ही हमें गोल्ड कलर से पेंट करना स्टार्ट करना है। तो ये कलर करते हुए हमें इस बात का ध्यान रखना है कि सारी जो लाइंस है वो अच्छे से गोल्ड पेंट से कवर होनी चाहिए। अगर एक लेयर में पूरी कंप्लीट नहीं होती है, कवर नहीं होती है, तो हमें सेकेंड लेयर देना है, क्योंकि हमें ये जो लाइंस है वो अच्छे से दिखनी चाहिए। तो इसीलिए हमें यहाँ पर गोल्ड कलर अच्छे से स्प्रेड करना है। तो ये जो वेस है गोल्ड कलर से कलर करने के बाद कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब यहाँ पर मैं लिक्विटेक्स का जो हाई ग्लॉस वार्निश है वो यूज़ कर रही हूँ, जिससे बहुत अच्छा फिनिश आएगा। अब मैं एक ब्रश लेके ये जो वार्निश है वो इस वेस को अप्लाई करूँगी। और आप यहाँ पर देख सकते हो वार्निश अप्लाई करने के बाद इसका फिनिश भी बहुत अच्छा आ रहा है और ये वेस जो है वो एकदम शाइन कर रहा है। तो फ्लावर्स अरेंज करने के बाद इस वेस का फाइनल लुक कुछ इस तरह से आ रहा है। यहाँ पर मैं एक मेटल का टी केटल यूज़ कर रही हूँ जो मेरे पास घर पे अवेलेबल था। अब यहाँ पर सेम वाइट पेंट से, चॉक पेंट से मैंने यहाँ पे ये जो टी केटल है उसको अच्छे से पेंट कर लिया है। तो वाइट पेंट करने के बाद ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। व्हाइट कलर के डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, तो आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं। यहाँ पर मैं गोल्ड स्प्रे पेंट का यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी गोल्ड कलर का यूज़ यहाँ पर कर सकते हो। यहाँ पर मैंने गोल्ड पेंट साइड में निकाल लिया है और एक ब्रश के हेल्प से अब मैं कलर कर लूँगी। और यहाँ पर जो पोरिंग वाला सेक्शन होता है उसे पहले मैं गोल्ड से पेंट करूँगी और उसके बाद में जो इसका हैंडल है उसको गोल्ड से पेंट कर लूँगी। अब यहाँ पर मैं जो बॉटम की बॉर्डर है उसे भी गोल्ड से पेंट कर लूँगी। अब यहाँ पर मैं हैंडल को पेंट कर रही हूँ और हैंडल को पेंट करते हुए मैं पूरे हैंडल को कलर से कवर नहीं करूँगी, तो बस इनसाइड से जैसे वीडियो में दिख रहा है उस तरह से गोल्ड पेंट से पेंट कर लूँगी। अब यहाँ पर जो केटल का लीड है उसे भी मैं पेंट कर लूँगी, जो उसका अपर पोर्शन है वहीं पर मैं गोल्ड पेंट से पेंट कर लूँगी और जो बॉटम वाला बॉर्डर है वहाँ पर भी गोल्ड कलर से पेंट कर लूँगी।
अब यहाँ पर मैंने एक डिटेल वाला ब्रश लिया है और इस ब्रश के हेल्प से यहाँ पर मैं डिज़ाइन बनाऊंगी। तो डिज़ाइन मुझे एकदम ही सिंपल बनाना है। यहाँ पर मैं कुछ फ्लावर्स बना रही हूँ। अगर आपको यहाँ पर सिर्फ डॉट्स देना है या फिर अलग डिज़ाइन बनानी है तो वो भी आप कर सकते हो। क्योंकि मैंने यहाँ पर ब्रश का यूज़ किया है तो डिज़ाइन बनाने में काफ़ी टाइम लगा। मैं यहाँ पर सजेस्ट करूँगी कि आप एक्रेलिक गोल्ड पेन यूज़ कीजिए, बहुत जल्दी और इजीली डिज़ाइन बन जाएगा। तो ये डिज़ाइन पूरे बनने के बाद ये कुछ इस तरह से दिख रही है। अब यहाँ पर मैं लिक्विटेक्स का हाई ग्लॉस वार्निश यूज़ कर रही हूँ और यहाँ पर वार्निश अप्लाई करने के लिए मैं एक ब्रश का यूज़ कर रही हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि वार्निश अप्लाई करने के बाद इसका फिनिश कितना अच्छा दिख रहा है। यहाँ पे बहुत अच्छी सी एक शाइन आ गई है। तो यहाँ पर वार्निश अप्लाई करने के बाद इसका फाइनल लुक कुछ इस तरह से दिख रहा है। इसे हम ऐसे भी डेकोर के लिए रख सकते हैं या इसमें फ्लावर्स अरेंज करके, तो ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखता है। तो इसका जो फाइनल लुक है वो कुछ इस तरह से दिख रहा है। आपको आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। और आपको मैं मिलती हूँ नए वीडियो में नए ऐड के साथ। बाय बाय।